जैसे कि आपने 20 साल से ये बिजनेस स्टार्ट 20 साल से आप ये सक्सेसफुली रन कर रहे हो, मतलब आप इस बिजनेस में सक्सेसफुली अच्छा खासा रन कर रहे हो, तो एक सक्सेसफुल स्क्रैप वाला और एक जो फेल हो जाते हैं स्क्रैप का बिजनेस, तो उनमें क्या फ़र्क होता है? मतलब आपने सक्सेसफुली ये बिजनेस रन किया है तो क्या खासियत होती है, ऐसे किस तरह से वो सक्सेसफुल स्क्रैप वाले का बोलो तो कैसे मालूम? तो जैसे कि आपने बताया कि स्क्रैप के बिजनेस में जो जो जानकारी दी, सपोज किसी ने स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने माल लेना शुरुआत की, तो ये जो माल होता है, जो माल आप इकट्ठा करते हो सारा कुछ, तो ये माल कहाँ पे बेचा जाता है, मतलब कहाँ पे वो बेच सकते हैं जिन्होंने स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट किया वो? अभी नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्क्रैप के बिजनेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और स्क्रैप के बिजनेस की जानकारी लेने के लिए हम एक सक्सेसफुल स्क्रैप ओनर के पास आ चुके हैं, जिनका नाम है जुबैर खान जी, जो KGN स्क्रैप सेंटर का बिजनेस चलाते हैं। पिछले काफी सालों से उनको जो है स्क्रैप का बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस है, तो उनसे जानते हैं दोस्तों कि ये जो स्क्रैप सेंटर जो होता है, स्क्रैप का बिजनेस जो होता है, वो किस तरह से किया जाता है, स्क्रैप का बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या लगती है, किस तरह से ये बिजनेस सक्सेसफुल कर सकते हैं। उनका जो है बहुत सालों का अनुभव है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उस तजुर्बे से जानते हैं कि ये बिजनेस एग्जैक्टली कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं जुबैर जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वीडियो बनाने के लिए परमिशन दी, और आपका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। तो जुबैर जी, जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो स्क्रैप का बिजनेस है एग्जैक्टली किस तरह से होता है, मतलब ये बिजनेस कैसे होता है? स्क्रैप का बिजनेस बोले तो अभी मैं कम से कम 20-25 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा। तो स्क्रैप का बिजनेस ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, रिस्क भी होता है ज़्यादातर करके, और मेहनत ज़्यादा लगती है इसको, वर्कर होते हैं इसके अंदर काम करने, शॉप जो है खुद का हो तो अच्छा रहता है। अच्छा। इसको जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, जगह भी बहुत। हाँ, सामान रखने के लिए जगह भी, जगह भी बहुत ज़्यादा लगती। बहुत से ऐसे आइटम स्क्रैप के अंदर, जैसे प्लास्टिक हो गया, लोकल बंगर हो गया, मेटल हो गया, ऐसे बहुत से बहुत तरीके के ऐसे इसके अंदर आइटम है जो इधर इसमें खरीदे जा सकते हैं। तो उसमें फिर कंपनी का मटेरियल भी होता है, कंपनीज का, और व्हीकल स्क्रैप होता है। तो जैसे कि आपने बताया ये स्क्रैप का बिजनेस करने के लिए मेहनत लगती है, और आप जो है 20 सालों से सक्सेसफुली ये बिजनेस कर रहे हैं, राइट? हाँ। तो ये जो स्क्रैप का बिजनेस है स्टार्ट, मतलब उसकी प्रोसीजर कैसे होती है? जैसे कि हमने कोई सब्जी का लिया, तो सब्जी खरीदते हम बाहर बेचते, हाँ। तो ये स्क्रैप के बिजनेस में कैसा होता है, मतलब कहाँ से ये माल खरीदा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, किस तरह से होता है बिजनेस? स्क्रैप का बिजनेस बोला तो कैसा, अभी स्क्रैप का दुकान जो है तो बहुत सारे लोग भी आते हैं सोसाइटीज़ के, जिनका मटेरियल निकलता है उसके अंदर, फिर अपने जो फेरे वाले रहते हैं, हाथगड़े वाले, जो पूरे एरिया में घूम के हाथगड़े पे मटेरियल जमा करके लेके आते हैं, फिर ऑफिस का मटेरियल होता है। अच्छा, ऑफिस का, ऑफिस का, हॉस्पिटल का, बहुत सारे जगह, और जो पोता वगैरह लेके घूमते हैं वो लोगों से भी मटेरियल खरीदा जाता है। अच्छा, इस तरीके का मटेरियल शॉप के अंदर आता है। अच्छा, तो ये जो मटेरियल आप शॉप के अंदर परचेस करते हैं, इसके लिए तो पूंजी लगती होगी आपको, उनको पैसे देने लगते, पैसे देना पड़ते हैं, राइट? तो मतलब ये जो होता है, ये स्क्रैप का कोई शॉप चालू करना चाहता है, किसी को स्क्रैप का बिजनेस चालू करना है, तो उसके लिए जो है कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है? स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके अंदर अगर उसका शॉप अगर खुद का हो तो उसको इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, अगर शॉप उसको रेंट से लेना हो तो उसके अंदर फिर उसका डिपॉजिट होता है, भाड़ा होता है, लाइट बिल होता है, वर्कर का पेमेंट होता है। तो ये जो स्क्रैप का बिजनेस है 1 लाख रुपए आप बोल रहे हो, तो इसमें मतलब शॉप रेंट पे लेना और सारी चीज़ें आ जाती है क्या? मतलब शॉप का रेंट, शॉप का डिपॉजिट, वो सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है, उसके अलावा और नहीं, नहीं, उसके अलावा, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट शॉप रेंट से लेके वो इन्वेस्टमेंट अलग है, वो कम से कम 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है वो, 50,000 रुपये का। और कोई अगर स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसका शॉप का जो लोकेशन होता है, साथ ही साथ शॉप की जो जगह होती है, मतलब लोकेशन कैसा होना चाहिए उसका? लोकेशन उसको स्क्रैप के बिजनेस का लोकेशन जो ऐसा होता है कि वो कमर्शियल एरिया में होता है। अच्छा, कमर्शियल एरिया में होता है, जो जैसा अपना झोपड़पट्टी हो, बस्ती हो, ऐसा वो टाइप में, ज़्यादातर करके सोसाइटीज एरिया में शॉप का नहीं है इतना ज्यादा चलन नहीं होता। नहीं नहीं, चलन नहीं है, स्क्रैप का है ही नहीं सोसाइटी एरिया में। अच्छा, सोसाइटी वाले परमिशन भी देते नहीं। हाँ, हाई सोसाइटी वाले। हाँ, तो इसके लिए स्क्रैप का जो बिजनेस है, जो जगह है वो कमर्शियल एरिया में, झोपड़पट्टी एरिया में, बस्ती में, ऐसे लोकेशन पे स्क्रैप का बिजनेस होता है। अच्छा,
तो इसके लिए स्क्रैप का बिजनेस शुरू करने के लिए शॉप की जो जगह होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? स्क्रैप का बिजनेस करने के लिए जगह कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो जगह चाहिए। इसमें कैसा है, टोटल मटेरियल जो आता है उसको रखने के लिए जगह होनी चाहिए। मतलब ज़्यादातर करके इसके अंदर क्या बात का ध्यान रखा जाता है कि अपने जो आजू बाजू वाले को तकलीफ ना हो। इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल ऐसा होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आजू बाजू में अगर बस्ती हो प्लास्टिक ज़्यादातर दुकान स्क्रैप का शॉप मतलब पैक एरिया में इसमें चाहिए दीवार में। पत्रे का ज़्यादातर करके ना हो उसमें रिस्क रहती है। अगर कुछ हो गया कल के शॉर्ट सर्किट से कुछ ऐसा सही अंधेर वगैरह लग गई तो फिर वो आजू बाजू वाले को धोखा रहता है। ये बात का ज़्यादातर ख्याल करना पड़ता है स्क्रैप के धंधे में। और स्क्रैप के धंधे में ज़्यादातर एक बात का और ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, जो छोटे बच्चे जो घूमते हैं उनके पास से ज़्यादातर करके मटेरियल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चे कैसा 10-5 रुपए के आस के ऊपर किधर से भी कुछ भी उठा के लेके आते हैं, वो बात का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि स्क्रैप के बिजनेस में जो जानकारी दी, सपोज किसी ने स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने माल लेना शुरुआत की, तो ये जो माल होता है, जो माल आप इकट्ठा करते हो सारा कुछ, तो ये माल कहाँ पे बेचा जाता है, मतलब कहाँ पे वो बेच सकते हैं जिन्होंने स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट किया? वो अभी इसका कैसे मालूम है, स्क्रैप का जो हम लोग जो मटेरियल लेते हैं उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब उसका पूरा शॉर्टिंग होता है। अच्छा, उसके अंदर फिर प्लास्टिक का शॉर्टिंग होता है। प्लास्टिक में कम से कम 27-28 आइटम ऐसे प्लास्टिक के। उसके बाद में एमएस स्क्रैप में भी कटिंग वगैरह होती है। लंबा अगर मटेरियल होगा तो उसको कट करना पड़ता है। वो हिसाब से फिर वो गाड़ी लोडिंग करके ऐसा पूना में तो बहुत जगह पे बड़े बड़े गोडाउन है, बड़े बड़े व्यापारी है, कोंडवा में, हड़पसर में, मार्केट यार्ड में, वारगे मालवाड़ी में बड़े बड़े गोडाउन है, उधर ये सब मटेरियल ये होता है। तो ये जो मटेरियल है वो हमें खुद ले जाना पड़ता है या उनका कुछ गाड़ी वगैरह आता है यहाँ पे अपने शॉप पे? उनका भी गाड़ी आता है शॉप के ऊपर, सामने व्यापारी का भी गाड़ी आता है। और उनका कभी गाड़ी नहीं रहेगा तो फिर आप अपने को गाड़ी एडजस्टमेंट करके अपने को किराए का गाड़ी अपने को एडजस्ट करके अपने को भेजना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो बिजनेस है, तो ये स्क्रैप का जो बिजनेस है, अगर कोई नौजवान है, कोई युवक है, वो जो करना चाहता है, तो उसको एवरेज मार्जिन कितना होता है इस बिजनेस में? अगर उसके अंदर उसका एवरेज मार्जिन का हिस्सा है, इसके अंदर पहली बात तो स्क्रैप के बिजनेस में एक हिस्सा भी नहीं है। वो बंदा जितना मेहनत करेगा, जितना उसके अंदर ध्यान देगा, जितना उसको टैली करेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। अच्छा, मतलब स्क्रैप के बिजनेस के अंदर अपना प्रॉफिट अपने ऊपर रहता है, अपने स्किल के ऊपर होता है, अपने स्किल के ऊपर रहता है। तो भी एक एवरेज मार्जिन मतलब 10%, 20%, 50% ऐसा होता है, फूड के बिजनेस में 40%, 50% के आसपास होता है, तो ऐसे स्क्रैप में कितना होता है? वैसा स्क्रैप में तो अभी पहले जैसा अभी मार्जिन अभी है नहीं है, क्योंकि तो अभी कैसा सब रेट वगैरह सबको मालूम है। तो वो हिसाब से करीबन नहीं बोलेंगे तो 10,000 का अगर मटेरियल रहेगा तो उसके अंदर कम से कम 1500 से 1700 रुपए का उसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी खर्चा है। तो इसमें मेहनत, जैसे कि आपने बताया कि इसमें मेहनत भी बहुत है, कोई नौजवान है अगर उसको स्क्रैप का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सलाह दोगे? जो अभी स्क्रैप का बिजनेस है अगर जो चालू करना चाहता है उसको तो मैं ये दूंगा, एडवाइस दूंगा कि ज़्यादातर करके शॉप जो है, शॉप अगर लेंगे तो शॉप पूरा तुम्हारा पैक चाहिए। अच्छा, पहली बात आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पूरे तरह से उसका ध्यान होना चाहिए। उसके अंदर गिराक से जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर के साथ में बर्ताव तुम्हारा अच्छा चाहिए, बात अच्छी करनी चाहिए, किसी को धंधे में गाली गलौज करके नहीं चलता। गिराक से प्यार मोहब्बत में अगर तुम बात करेंगे तो गिराक उतना खुश होता है। और जो पोते लेके जो घूमते जो मटेरियल डालते हैं ज़्यादातर करके, खास करके उनको 1-2 पैसे की आस रहती है, उनके साथ में बर्ताव तुम्हारा अच्छा चाहिए। अच्छा, क्योंकि तो वो मेहनत करके
घूम घूम के जो मटेरियल जमा करके लाते हैं, मेहनत करके लेके आते हैं। तो जैसे कि आपने 20 साल से ये बिजनेस स्टार्ट, 20 साल से आप ये सक्सेसफुली रन कर रहे हो, मतलब आप इस बिजनेस में सक्सेसफुली अच्छा खासा रन कर रहे हो, तो एक सक्सेसफुल स्क्रैप वाला और एक जो फेल हो जाते हैं स्क्रैप का बिजनेस, तो उनमें क्या फर्क होता है? मतलब आपने सक्सेसफुली ये बिजनेस रन किया है तो क्या खासियत होती है, ऐसे किस तरह से वो सक्सेसफुल स्क्रैप वाले का बोले तो कैसे मालूम क्या है, उनका परफेक्ट काम रहता है पूरा। अच्छा, मतलब जैसे कि कोई शोक पानी ना हो, जो ज्यादातर करके अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे, सवेरे से तो शाम तक, ऐसा सक्सेसफुल का धंधे में ये रहते हैं। और जो अनसक्सेसफुल रहते हैं उनको कोई तो शोक रहता, कुछ तो उनके पीछे लफड़ा रहता, ये दोनों में फर्क। अच्छा अच्छा, मतलब वो उनका डेडिकेशन नहीं होता काम के प्रति, वो जो ज्यादा काम में ध्यान नहीं देते। अच्छा, ज्यादातर करके वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हाँ, दूसरे के ऊपर, खुद नहीं करते। तो जैसे कि अभी हमने जुबेर भाई से जाना, जो जिन्होंने KGN स्क्रैप सेंटर 20 साल से जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उनसे हमने स्क्रैप के बिजनेस में पूरा डिटेल जाना और इस बिजनेस को चालू करना होगा तो जुबेर भाई है, उनकी ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम ये बिजनेस के बारे में शॉर्ट लाइन में समअप करना चाहे तो आपको पूरा जो है डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है इसमें खुद मेहनत करना चाहिए, मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये जो है इस बिजनेस की सीक्रेट का राज है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस बिजनेस के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।